नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पर्पल न्यूज। नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 28 लाख रुपए नकदी बरामद, दो युवक गिरफ्तार, फोर्ड फिगो कार भी बरामद। डीएसपी रविंदर सिमर ने दी जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान, नकदी को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए दोनों युवक। पुलिस ने नकदी को लेकर आयकर विभाग को किया है सूचित। आप देख रहे हैं सुरेंद्र भाटिया के साथ अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा शहर में पुलिस द्वारा शुक्रवार अल सुबह सिविल अस्पताल रोड पर जेजे कॉलोनी के पास में एक कार से 28 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। पकड़ी गई नकदी में 2000 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक के नोट शामिल हैं। डीएसपी रविंदर शिवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को रात को पुलिस ने पूरे शहर में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया था। पुलिस ने आज तड़के 3 बजे सिविल अस्पताल रोड पर फोर्ड फिगो कार के रुकने का इशारा किया। जब कार की तलाशी ली गई तो कार में से पुलिस को एक बैग में भारी मात्रा में कैश मिला। जब पुलिस ने कार सवार दोनों युवकों से पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर के कैश को भी काउंट किया। डीएसपी ने बताया कि कार सवार लोगों से उनका नाम पूछा गया तो गांधी कॉलोनी निवासी गगन गोयल और जजे कॉलोनी निवासी नानिया बताया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर उनको छोड़ दिया है। अब पुलिस ने इस मामले की आगामी कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कैश ब्लैक मनी हो सकता है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं पल-पल की ये खास रिपोर्ट। ये है कि रात को एसपी साहब के निर्देशन में नाइट डोमिनेशन की ड्यूटी चल रही थी और जजे कॉलोनी प्रभारी और उनकी पुलिस फोर्स जीएच हॉस्पिटल चौक पे नाकाबंदी पे थे और एक फोर्ड फिगो कार आई, नंबर उसके 424-2177, जिसमें से दो जवान बैठे थे, गगन गोयल पुत्र श्री नरेश गोयल वासी गांधी कॉलोनी सिरसा, दूसरा है नानिया पुत्र पनीराम वासी जजे कॉलोनी सिरसा। उनसे पूछताछ की और उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो करेंसी 28 लाख रुपए बरामद हुई, जो नोट है 50, 100, 200, 500 व 2000 के। तो इस करेंसी बारे उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस बिना पे गाड़ी को और उन दोनों जवानों को पुलिस ने अपने कब्जा में ले गए, इनकम टैक्स विभाग को सूचित कर दिया है। आगे नियम अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था उनको, भाई ऐसे ऐसे रात्रि में ड्यूटी के दौरान ये चीजें बरामद हुई 28 लाख रुपए, तो उनको अभी जो अपने जैसे उनकी कार्रवाई होगी वो सारा अपना देखेंगे और जो नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। उन्होंने कोई संतोषजनक अभी तक कोई जवाब नहीं दिया संतोषजनक।